नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्चुअल टेक फैक्ट चंदन में। दोस्तों मैं चंदन। दोस्तों यहां आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे क्या फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने वाला है यदि आप अपनी कोई प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं। तो दोस्तों यहां मैं आज आपको इन सब मैं काफ़ी ब्रीफली बताऊंगा क्या यदि आप अपनी कोई प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो वहां आपको क्या एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे कैश ऑन डिलीवरी पे, क्या इन सब मैं काफ़ी ब्रीफली बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बड़े नेक्स्ट गेम। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्या यदि आप कोई भी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं तो क्या वहां आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। दोस्तों बेसिकली ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि हाँ यदि आप कोई भी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी को कोई प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो वहां आपको कुछ पैसे एडवांस पेमेंट करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट सपोज वहाँ आप कोई प्रोडक्ट 160 रुपये का मंगाते हैं तो वहाँ यदि आप कोई भी प्रोडक्ट 160 रुपये मंगाते हैं तो वहाँ आपको 30 रुपये या 40 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा नहीं वहाँ आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेंगे तभी आप वो प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर पाएंगे। यहाँ मेरे साथ यही हुआ। मैंने एक बैक कवर मंगाया था, उसकी कॉस्ट थे लगभग 160 या 170 रुपये थी, तो मैं उसे ऑर्डर किया था तो वहाँ ये दिखा रहा था कैश ऑन डिलीवरी पे कि वहाँ आपको सबसे पहले 30 रुपये एडवांस पेमेंट करने पड़ेंगे तभी आप ये प्रोडक्ट को ऑर्डर कर पाएंगे कैश ऑन डिलीवरी। या मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ यदि आप 160 रुपये में से 30 रुपये पेमेंट कर देते हैं तो बेसिकली उसकी कॉस्ट हो जाएगी 130 रुपये, तो वो 130 रुपये आपको कैश ऑन डिलीवरी पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि क्या है फ्लिपकार्ट की एडवांस पेमेंट सिस्टम। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं इस पे लगभग आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो बना था कि जल्दी फ्लिपकार्ट लाएगा फ्लिपकार्ट एडवांस पेमेंट के बारे में। मैं लगभग इस पे एक वीडियो बना था जुलाई 2020 में, ऊपर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली ये फ्लिपकार्ट टेस्ट कर था लगभग आज से 1.5 साल पहले कि 1.5 साल पहले ये न्यूज़ आई थी कि फ्लिपकार्ट जल्दी स्टार्ट करेगा कैश ऑन डिलीवरी पे एडवांस पेमेंट के बारे में। वहाँ उस टाइम बताया गया था कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं तो वहाँ आपको कुछ पैसे एडवांस पेमेंट करने पड़ेंगे और कुछ पैसे आप यदि प्रोडक्ट लेते हैं तो उस टाइम आपको पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये सिस्टम बेसिकली लाया गया इसलिए लाया गया था क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और उसके बाद पैसे मतलब उसके बाद वो प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिए थे, तो ये चीज़ कम करने के लिए फ्लिपकार्ट लाया था फ्लिपकार्ट एडवांस पेमेंट सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम लाया था कि यदि आप कैश ऑन डिलीवरी कोई भी प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो वहाँ आपको कुछ पैसे करने बोलते हैं कि 20 रुपये 30 रुपये उसके प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से वहाँ आपको पे करने पड़ेंगे। सपोज उसके कैश 10,000 तो वहाँ आपको लगभग 200 रुपये या 300 रुपये 500 रुपये एडवांस पेमेंट करना पड़ेंगे तभी आप उस प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी ला पाएंगे। और ये चीज़ कर देने के बाद बेसिकली ये कुछ रिपोर्ट ये बता देंगे कि यदि कुछ लोग प्रोडक्ट को ऑनलाइन पेमेंट मतलब ऑनलाइन पे कर देते हैं उसकी कॉस्ट को तो उसकी जो कैंसिलेशन की चांसेस होते हैं वो बहुत कम होती है। तो इसलिए फ्लिपकार्ट ये चीज़ लाया था कि यदि कोई भी पर्सन फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं तो वहाँ सबसे पहले उससे कुछ पैसे वसूल ले जाए तो ऐसे में जो कैंसिलेशन के चांस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये इसलिए ये सिस्टम लाया था फ्लिपकार्ट एडवांस पेमेंट। इसमें मैंने लगभग 1.5 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके बेसिकली समझ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँ कि ये जो फीचर्स है ये अभी आपको कुछ प्रोडक्ट पे देखने को मिलेंगे, यानी कि गिने चुने प्रोडक्ट पे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको अभी सभी प्रोडक्ट पे देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आने वाले समय में जितने भी प्रोडक्ट होंगे यदि आप कैश ऑन डिलीवरी पे उसे ऑर्डर करते हैं तो वहाँ आपको कुछ पैसे अभी आपको एडवांस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अभी ये जो फीचर है अभी ये हाल ही में है और ये जो फीचर है लगभग हमको लग रहा है कि लगभग 1 साल या 1.5 साल बाद लगभग सभी प्रोडक्ट पे लागू हो जाएंगे। और वहाँ आपको यदि आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं ऑनलाइन तो वहाँ आपको कोई प्रोडक्ट यदि आप ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हो तो वहाँ आपको कुछ पैसे एडवांस पे कर पाएंगे तभी आप उस प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी मंगा पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली वीडियो में बस इतना था और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।